हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा सीक्रेट टोनर बोल सकते हो, फेस पैक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली जो जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, उनके लिए ये एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। और ड्राई, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है, ड्राई स्किन वालों के भी फेस पे ये उतना ही काम करेगा जितना ऑयली स्किन वालों के लिए, बट हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए ये रामबाण का काम करेगा, बस इतना सा बात है। क्योंकि इसमें उनके लिए कील मुहासे जितने निकलते हैं, झाइयाँ जल्दी हो जाती हैं, पिंपल्स जल्दी निकल आते हैं, तो उनके लिए मैंने ऐसी चीज़ें मिक्स करी हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे चलिए आप लोग देख लीजिए मैं यहाँ पे क्या क्या मिक्स कर रही हूँ और क्या क्या नहीं मिक्स कर रही हूँ, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है और क्या मिक्स करना है वो। तो सबसे पहले चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं आप लोगों को क्या मिक्स करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मिक्स करना है, अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया है, इसीलिए कुछ नहीं लगाया है क्योंकि अभी मुझे वो लगाना है, और वो पैक लगाने के लिए मैंने अपना फेस को पूरा क्लियर कर लिया है। बिल्कुल ही फेस पे कोई भी डर्ट, कोई भी धूल, कोई भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कोई भी फेस पे कुछ भी लगाते हैं तो उसमें अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि पहले से ही आपके फेस पे इतनी गंदगी धूल जमी होती है कि फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है आपके फेस पर। और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ड्राई स्किन होती है तो यहाँ पर नहीं बहुत वाइट वाइट सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। मेरे तो पता है क्या होता है, ज़्यादातर मैं फेस पैक कुछ भी लगाती हूँ तो अगर कोई चीज़ मैंने ज़्यादा लगा ली तो यहाँ पर हो जाता है वाइट वाइट सा, यहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है, मतलब पूरे फेस पर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जैसे वाइट वाइट हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को तो इतना हो जाता है, ऐसा लगता है वाइट वाइट कुछ पपड़ी टाइप की निकलने लग जाती है। तो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे गाजर, आलू आप लोगों को ले लेना है। सर्दियों में गाजर तो सभी लोगों के घर पे भंडार भरा होता है, किसी के घर में गाजर का हलवा, किसी के घर में गाजर की सब्जी, किसी घर में कुछ, किसी घर गाजर टोटली आपके सभी के घर में मिल जाता है। विंटर्स के सीजन में टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो आप लोग घर में इजीली अवेलेबल हो। मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोग देखोगे मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, DIYs, मेकअप, मैं मतलब ऐसी चीज़ें ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्टली चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्टली चीज़ें से ही अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो, हर चीज़ से कर सकते हो, मैं आप लोगों को वही दिखाऊँगी। तो सिंपल सी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको किस तरह से लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को गाजर और आलू ले लेना है, सिंपल जो आप लोग सभी घर में होगा, आलू का भंडार होगा इस समय तो, क्योंकि आलू के पराठे, मम्मी जितने आलू खाने में अच्छा लगता है उतने आलू लगाने में फेस में उतना ही अच्छा ग्लो देता है। तो यहाँ पे मैं आज वही बताने वाली हूँ जर्नी मेरी वीडियो बनाते समय ही भोगती है। तो चलो अब दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को गाजर और आलू को किस तरह से ग्रेट करना है, उसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद चलिए आप लोगों को मिलते हैं फिर। चलिए गाजर और आलू को घिस लेते हैं फिर। सो आपको एक प्लेट लेनी है, और प्लेट या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सूटेबल लगे। तो आपको गाजर ले लेना है, आलू ले लेनी है, जितना आपके फेस के अकॉर्डिंग हो जाए उतनी ले लेनी है। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी आलू ली है, हाफ छोटी आलू ली है, और थोड़ा सा गाजर ग्रेट करूँगी, दोनों को एक साथ मैं ग्रेट कर लूँगी। और आप कद्दूकस से किसी से भी, मतलब जो भी आप जिससे आप ग्रेट करते हो उससे आप ग्रेट कर, बट हाँ इसको ग्रेट ही करना है क्योंकि घिसने से ना जैसे जो रस निकलता है वो हमें लगाना है, वो हमें फेस के लिए चाहिए, तो उसको आपको घिसना ही पड़ेगा, चाहे कद्दूकस हो या फिर ग्रेटर हो, कुछ भी हो जिससे आप घिसते हो। यहाँ पे मैं जिससे अदरक घिसती हूँ उससे मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये अदरक आपको दिख रही है यहाँ पे लगी हुई, बट बीच में मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था क्योंकि जाम हो गई है, इसको साफ़ करती रहती हूँ, तो ये उसी से ही मैंने घिस लिया यहाँ पे। तो गाजर और आलू मेरी यहाँ पे घिस चुकी है, ये देखिए, फेस के लिए मेरी इतनी इनफ है, तो मैं इतना ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे बाद में काम आ जाएगी आलू, और जितने आलू तो मैंने पूरी घिस दिया, गाजर बाद में काम आ जाएगी, फिर और लगा लूँगी मैं, तो इसलिए क्योंकि मैं ये सब चीज़ें लगाती ही रहती हूँ DIYs, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें पर ही ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा फेस पर लगाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है इसलिए। तो यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से हाथ से दबा दबा कर इसका जो रस है वो मैं निकाल लूँगी इस तरह से, ये देखिए
आलू और गाजर का रस जो भी है निकाल लूँगी, फिर इसको एक कटोरी में मैं पलटा लूँगी। ये देखने में आपको इतना लग रहा है बट हाँ फेस के लिए मेरे इतना बहुत है, देखेंगे अभी आप कटोरी में जब डालूँगी पूरा अच्छे से इसका रस निकाल लेना है, जब आप देखेंगे कटोरी में डालूँगी तो मेरे फेस के लिए इतना बहुत हो जाएगा। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बट फेस के लिए मेरे ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए वैसे भी, कि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ वैसे भी कोई भी चीज़, तो उतना ही मैं निकालती हूँ जितना मुझे काम हो उतना ही चीज़ें रखती हूँ। तो ये फेस में मेरे हो जाएगा इतना, अभी देखेंगे आप लोग। ये देखिए यहाँ पे कटोरे में तो सारा मैंने कटोरी में निकाल लिया है, और अब इसमें क्या मिक्स करके लगाना है तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए मेरा गाजर और आलू का रस यहाँ पे मैंने निकाल लिया, कटोरी में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया है गाजर और आलू का रस है। इसको फेस पे किस तरह से लगाना है कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले थोड़ा 4 to 5 6 ड्रॉप ले सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है ये। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले, ये एक हम लोगों का बन गया है बहुत ही अच्छा रामबाण स्किन पे वाइटनिंग के लिए, तो उससे पहले हम लोगों को लगा लेना है थोड़ा सा अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए रोज़ वाटर को। तो रोज़ वाटर को कैसे लगाना है वो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए रोज़ वाटर मैंने ले लिया है, यहाँ पर कॉटन ले लिया है, फेस को हाइड्रेट कर लेना है तो रोज़ वाटर से कॉटन की हेल्प से इस तरह से को थोड़ा थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर लेना है, जितनी भी धूल मिट्टी और भी हो, मतलब फेस तो आप वॉश करके बैठोगी फिर भी रोज़ वाटर से क्या होता है ना फेस हाइड्रेट हो जाता है, स्किन हाइड्रेट हो जाती है। ये देखिए पता है ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं बताया होगा, बट ये वही बता सकता है जो खुद से पर्सनली यूज़ करता हो, और मैं इन सब चीज़ों को पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मेरा पैक रेडी हो चुका है, गाजर आलू और इसका लेमन का, तो अब इसको लगा लेना है, मिक्स कर लेना अच्छे से। देखिए इस तरह से लगाना है आपको फेस पे इसको मसाज देते हुए। सो यहाँ पर आपको फेस पे अपने मसाज करते हुए लगानी है इसको, पहले पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लेना है, पूरे फेस पे फैला लेना, अच्छे से लगा लेना है। आईज़ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि डार्क सर्कल में आलू काम करती है, जिसके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो आईज़ के पास भी लगा सकते हैं क्योंकि डार्क सर्कल भी आलू से गायब होते हैं और बहुत ही जल्दी काम करता है डार्क सर्कल पर, तो आईज़ के पास भी लगा सकते हैं। तो पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लीजिए। और ये पता है तुरंत का बनाइए तुरंत लगाइए वाला है, क्योंकि पता है इसमें आलू मिक्स है ना, तो आलू से क्या होता है ना ये काला पड़ जाते हैं, इसलिए इसको आपको तुरंत मिक्स करना है, तुरंत लगाना है, तुरंत वॉश करना है इसको। जब आपको लगे कि हाँ आपका फेस अब ब्लैक ब्लैक से थोड़ा सा लग रहा है तो आप लोगों को मिलाइए। यहाँ पे मैंने गाजर मिक्स किया है, गाजर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे फेस को जो ब्लैकनेस होती है ना, ब्लैक ब्लैक से होता है, उसको साफ़ करता है, आपके फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो लाता है। और आलू जो तो आप जानते ही हो, झाइयाँ मुहासे ये सब चीज़ें साफ़ होती हैं। ये देख सकते हो मेरे यहाँ पे दाना पड़ गया, तो मुझे ये मेरे माइंड में आया कि मैं ये वाला फेस पैक बनाती हूँ, मतलब फेस पैक नहीं एक तरह से टोनर समझ सकते हो, ये बनाती हूँ और इसको लगाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाला दाना मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे लगा कि मैं लगा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ जो पर्सनली मैं खुद से यूज़ करती हूँ। ये देखिए और लेमन से तो आप लोग जानते ही हो कि लेमन कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे फेस पे जितनी भी गंदगी और डेड स्किन होती है उसको निकालने में हमारी हेल्प करता है फेस की। वैसे विंटर्स चल रहे हैं, धूप में सभी लोग बैठ रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि धूप में बैठना भी चाहिए, विटामिन डी मिलता है धूप में बैठने के लिए, मैं मना नहीं करूँगी, और उसके बैठने के बाद में जो डेड स्किन जमा होती है उसको कैसे क्लियर करें उसका भी इलाज है हमारे पास में।
अब आपको धूप में बैठने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पे मसाज करते हुए पूरे फेस पे इस तरह से लगा लूँगी मैं। ये देख सकते हो मैं मसाज कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पूरे फेस पे तो लग ही जाएगा, बट उसके बाद थोड़ा बहुत तो बचेगा ही, ऐसा नहीं है। बट अगर बचता है आपका तो पूरे फेस पे अपने हैंड से इसको मसाज भी कर लीजिए थोड़ा सा, और देन ये सूख जाएगा। उसके बाद में आपको फेस वॉश करना है पूरे फेस में इसको, आइस पास भी सब जगह लगा लेना इसको। इस तरह से मसाज करते हुए आपको लगानी है। ये देखिए मेरा लग चुका है फिर, अब इसका मैं करती हूँ मसाज ही मैंने कर लिया, उसका करती हूँ मैं सूखने का वेट। ये सूख जाएगा क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो जल्दी ये सूखेगा भी नहीं, सूख जाए उसके बाद मैं फेस वॉश करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, दिखाते हैं अपना फेस की रंगत। तो ये देखिए मेरा सूख चुका है, इसमें आलू मिक्स है ना, तो आलू की वजह से ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि आलू ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का वेट करती है तुरंत सूख जाती है, तो इसलिए ये भी सूख गया है। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैं फेस को वॉश करके यहाँ पर आ गई हूँ, ये देखिए तो ये देखिए मैंने फेस को वॉश कर लिया है। और सच में यार देखिए फेस टच करने में तो लग ही रहा है, और आप लोग फर्क भी देख सकते हो। देखा आप लोगों ने फ़र्क, जब मैं आई थी तब बैठी थी तब मैंने वीडियो बनाई थी तब कैसा लग रहा था, आप देख सकते हो आपको फेस मतलब कितना ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट तो लग ही रहा है। इसीलिए आपको डेली लगाइए इसको, डेली डिफरेंट देख सकते हो कितना अच्छा देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसका जो काम है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मुझे सच में इसका जो काम करता है ना, ये जो आलू इसमें मेन ऐसी इनके हम लोगों के फेस पर बहुत ही अच्छा सा काम करता है। और कैरेट भी आप लोग जानते हैं स्किन को साफ़ करता है, लोग कहते हैं गोरा होना है तो गाजर खाओ, तो गाजर हम लोग के फेस के लिए सच में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके और लगाइए, अच्छा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। सो गाइस, आप पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, देन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को मिस ना कर पाए, तुरंत वॉच करता है। और मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो ज़्यादातर बनाती हूँ, जो भी वीडियो बनाती हूँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेकअप करके बनाती हूँ, मैं सिंपल सी पहले स्टार्ट करती हूँ फिर मैं धीरे धीरे मेकअप करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फेस पे ऑलरेडी मेकअप करके बैठती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मुझे। तो ये देखिए इतना छोटा सा वीडियो, आई होप पसंद आया, पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।